मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहे और सब पूरा देश जानता है कि गुजरात के कुछ गिने चुने जो पूंजीपति लोग हैं, हमारा आपका सबका टैक्स का पैसा लेके इतनी महंगाई बढ़ गई है। झूठ के सिवा इनके पास कुछ है नहीं। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इनका भाषण आप सुनेंगे उसमें कहीं विकास है ये नहीं है, रोजगार है ये नहीं है। मैं हूं ओम प्रकाश गुप्ता, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। इस समय मैं देवरिया लोकसभा का, जो तमकोहरा विधानसभा है, मैं वहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। पहले मैं बात करूँगा प्रत्याशी दल के नेताओं से और फिर मैं गांव के लोगों की बात करूँगा, उनसे पूछूँगा कि किस मुद्दे पे आप किस दल को वोट देना है, किसे आप पसंद करते हैं, क्या मुद्दे हैं। पहले मैं बात करता हूँ, आइए कांग्रेस और सपा गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में जो यहाँ के नेता हैं सपा के, उदय डॉक्टर उदयनारायण गुप्ता जी, मैं उन्हीं से शुरुआत करता हूँ। आइए उदयनारायण गुप्ता जी से बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, आज चुनाव का प्रचार थम जाएगा, चुनाव का अंतिम चरण है, 1 तारीख को वोटिंग होनी है जी। क्या लग रहा है आपको, आपके प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की क्या पोजीशन है, क्या होने वाला? देखिए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुछ तमकोहीं राज विधानसभा से लेकर पूरे देवरिया के लोकसभा के पांचों विधानसभाओं में सर्व समाज का वोट मिल रहा है और लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के विरोध में इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। हमारे प्रत्याशी शानदार प्रत्याशी हैं जो लोगों के हमेशा सुख दुख में रहते हैं और विकास का कार्य कराते हैं, तो इसलिए इस क्षेत्र से तमकोहीं राज विधानसभा से एक तरफा लोगों ने मन बना लिया है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हाथ के पंजे पर वोट देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और 1 तारीख को हाथ के पंजे पर बटन दबाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि तमकोहीं राज विधानसभा है, देवरिया का लोकसभा जो है, ये तमकोहीं विधानसभा जो कुशीनगर में पड़ता है जी, जी यहाँ से प्रत्याशी भी रहे यार जी, जी 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे, क्या लगता है कि आपने जो चुनाव लड़ा उस वोट के प्रतिशत और आज के प्रतिशत में क्या अंतर रहने वाला? नहीं, बहुत अंतर रहने वाला है। जो हम लोग चुनाव लड़े विधानसभा के, उसमें आज के पीछा बहुत ज़्यादा अंतर है। हम एक तरफा यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बुरी स्थिति में आया है, बहुत कम वोट पाने जा रही है, इसलिए सर्व समाज के लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और एक तरफा वोट देने का कार्य कर रहे हैं। मोदी जी का कहना है आप सत्ता में आएंगे तो महिलाओं के मंगलसूत्र तक आप लोग छीन लेंगे। महंगाई नहीं है, महंगाई का ढोल पीटा जा रहा है, महंगाई किस तरह का लग रहा है आपको, इस पर जरा देखिए। मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहे और सब पूरा देश जानता है कि गुजरात के कुछ गिने चुने जो पूंजीपति लोग हैं, हमारा आपका सबका टैक्स का पैसा लेके इतनी महंगाई बढ़ गई है। एक आदमी नमक खरीदने जा रहा है तो कितना, 2014 से लेकर इस समय तक 2024 में देख लीजिए कई गुना नमक का दाम बढ़ा, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे बाकी जो खाद्य सामग्री है, चाहे सिलेंडर का ले लीजिए, महंगाई कई गुना बढ़ा है, ये आम जनता जानती है। मोदी जी को मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उन्होंने 2014 में क्या बोला था, 2019 में क्या बोला था और इसी कुशीनगर में मील चलाने के 100 दिन में वो मील चलाने के लिए कहे थे और एयरपोर्ट भी कहे थे कि जूता पहनने वाला, चप्पल पहनने वाला भी व्यक्ति यहाँ से कुशीनगर एयरपोर्ट से, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना शुरू हुआ था, उद्घाटन के समय उन्होंने कहा था कि चप्पल पहनने वाला भी व्यक्ति उड़ेगा। आज एयरपोर्ट बंद हो गया है और चीनी मिल की उन्होंने चर्चा भी नहीं किया, इसीलिए मोदी जी ने कुशीनगर लोकसभा प्रचार करने के लिए आए हैं, न देवरिया लोकसभा में प्रचार करने के लिए आए हैं। इसलिए वो जानते हैं कि जब कुशीनगर देवरिया में आएंगे तो लोग सवाल करेंगे कि आपने कहा था कि 100 दिन में चीनी मिल चलवा देंगे और आपने नहीं चलवाया, आपने कहा था कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी, वो आपने बंद कर दिया। इसलिए सारी चीज़ें मोदी जी की सरकार में, जो हमारी जो संपत्तियाँ थी उसको बेचने का काम, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे रेलवे हो, बेचने का काम मोदी जी ने किया है और महंगाई कई गुना बढ़ा के पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने का कार्य किया है। इसलिए लोग जनता समझ चुके हैं और इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है, जनता भाजपा के विरोध में है, लड़ रही है और इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रही है। आप सुन रहे थे डॉक्टर उदयनारायण गुप्ता जी से, इन्होंने पक्ष रखा। एक बड़ा ही बेहतर बात इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मोदी जी की झूठ बोलना ही, यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, मोदी जी झूठ बोल के गए थे 2014 में और आज वो प्रचार करने तक नहीं आए कुशीनगर में, बड़ी बात है। मैं जानता हूँ एक व्यक्ति हमारे साथ और हैं जो गाँव से आए हैं, सुरेंद्र यादव जी, इनसे जानते हैं कि इनका पक्ष क्या है, ये क्या चाहते हैं और किस मुद्दे पे और कहाँ वोट देने का प्रयास कर रहे हैं।
देखिए, हम लोग और सर्व समाज, देवरिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश की सब जनता, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, दवाई, ये जितना इसका दाम बढ़ा है कि गरीब आदमी का लड़का पढ़ नहीं सकता है। किसी को अगर कोई पढ़ा भी लिया अपना खेत बाड़ी बेच करके, तो उसके लड़के को नौकरी नहीं मिलना है। किसी तरह वो फार्म भी भर दे रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है। तो हम सभी लोग, देवरिया के संपूर्ण जनता, इनके खिलाफ है, मोदी योगी के खिलाफ है। ये लोग केवल झूठ बोलते हैं, झूठ के सिवा इनके पास कुछ है नहीं। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इनका भाषण आप सुनेंगे उसमें कहीं विकास है ये नहीं है, रोजगार है ये नहीं है, दवाई पढ़ाई है ये नहीं है, किसान की बात है ये नहीं है। तो आखिर ये किस लिए कुर्सी पर बैठे हैं जब जनता का ये काम नहीं करेंगे? केवल जो है मंदिर की बात करेंगे तो केवल पूजा कर लेने से, भगवान के मान लेने से तो सब विकास होने वाला नहीं है। नहीं, भगवान तो सबको है। मोदी जी तो पूरे गांव में हर परिवार में 5 किलो राशन भी तो दे रहे हैं। 5 किलो राशन वो दे रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप महंगाई पर नहीं जा रहे हैं कि सरसों का तेल कहाँ से कहाँ चला गया। 2014 में 100 रुपया लीटर था, 40 रुपया लीटर था, आज 180 रुपया लीटर बिक गया, 200 रुपया बिक गया। रहर का दाल जो गरीबों का टॉनिक है, किसानों का टॉनिक है, उनके थाली से गायब हो गया। आज किसान मजदूर रहर का दाल खरीद नहीं सकता है, एक पौवा दाल खरीदता है, एक किलो नहीं खरीदता है, एक पौवा दाल खरीदता है। आप इस पर भी तो देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप खुद इस चीज़ पर गहन विचार करिए कि मोदी जी ने कहा कि हम महंगाई कम कर देंगे, डीजल पेट्रोल का रेट देखिए कहाँ चला गया। 40-45 रुपये डीजल का रेट था, आप 100 रुपये पर है, 97-98 पर है, पेट्रोल का दाम 97-98 पर है, कैसे गरीब चलेगा? ये तुमकोई राज तहसील का एक खोचा गांव है जो बहुत ही गरीब गांव है, और इस गांव में हम जानते हैं कि यहाँ किस तरह का विकास हुआ है, यहाँ के लोगों का मत क्या है, और आखिरी दौर में ये चुनाव का ये आखिरी हमारा सर्वे है जो लोगों से मैं जानना चाहूँगा। आइए मैं दिखाता हूँ इस गांव का, इधर ज़रा सा दिखाइए कि ये गांव के रख रखाव की ये व्यवस्था है, और आज भी ये सड़क कच्ची है, और आगे चलेंगे तो ये आगे देखेंगे कि नाली तक का इसमें कहीं कोई निर्माण नहीं है। आज भी जब भी किसी बाइक और वाहन को क्रॉस करना होता है तो इस नाली में फंसती है गाड़ियाँ, और लोगों को आगे भी बताते हैं, पूछते हैं कि विकास कितना हुआ। आइए, यहाँ दिखाई दिया है शौचालय जो सरकार के बजट से बना हुआ है। इस शौचालय की दशा देखिए, और ये शौचालय का निर्माण और दशा ये आपके सामने है। टूटी फूटी फाटकें हैं, और इस फाटकों का डंडे पे खड़ा होना ये अपने आप में मायने रखता है। आप एक शौचालय मैं और दिखाऊं यहाँ, जिसमें फाटक ही नहीं है और शायद ये इस्तेमाल से बाहर है। ये है गांव की दशा और दिशा, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, इनका कहानी ये बयां करता है कि कितना विकास इस गांव में हुआ है, और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि विकास के मुद्दे पे आप वोट किसे देंगे। आइए चलते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो खड़ी हैं, और अक्सर गांव में इस तड़पती धूप में जब भी गर्मी का बेतहाशा प्रकोप होता है तो अक्सर गांव के लोग किसी पेड़ और धूप के छांव में इकट्ठा होते हैं। थोड़ा सा मैं जानता हूं कि क्या स्थिति है इस गांव की। अब गांव के बारे में तो जाने चाहता नहीं कि ये गांव में का विकास भइल बा, का विकास भइल बा, कुछ विकास नहीं का भइल, एक भी विकास का भइल बा। ये बताई लाइनी का बिल हमनी के माफ होता नहीं क्या? लाइन के माटी तेल देवे ना, माटी तेल बंद कर दे, लाइनी के बिल देता नहीं जान। आ लाइनी के बिल पाँच कट्ठा खेत बार, तीन बार मारे, तीन बार एक कट्ठा बेच के बेचिए दिए तो का खोइए, लड़का फैके चार गो लड़का रह सो का खोइए सो बताई। हर महीने में बिल आता है, दू गो बल्ब जरता 10,000-15,000 आता है, तो बिल निकालता है। बिल फर्जी आ रहा है यहाँ पे, तो आते 10,000-15,000 10,000 बिल आयल बा, दू गो बल्ब जरता उजर का। का
कुछ विकास तो भइल होई जोन कि गांव के भला खतरा कुछ रक्षा खतरा शौचालय शौचालय लोग का बनल बा। हाँ बनल बा। आइए थोड़ा सा बगल में जानते हैं इधर का स्थिति है, चुनाव का क्या माहौल है। चुनाव का माहौल ठीक है, खराब माहौल है, ठीक माहौल है, ठीक माहौल है। किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? यहाँ मोदी जी का वोट मिलेगा ज़्यादा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मोदी जी का वोट अधिक मिलेगा और कांग्रेस के मिलेगा नॉर्मल 1-2 वोट मिलेगा भाई इस बार में। अच्छा, क्या नाम हुआ? शत्रुघ्न नाम है। शत्रुघ्न, आइए आप लोग कुछ बताइए, आप लोग इस गांव की महिलाएं हैं, विकास में क्या क्या कमियां रह गई हैं, विकास किस तरह का हुआ है, थोड़ा बताइए आप। विकास है जो कौन चीज बोलवा, आवास मिल रही नहीं है, लेटरिन मिलल बा तो लेटरिन सब ढोहते बा, केमारी बा तो ढोहते बटे, ये कौन चीज के विकास होता, कुछ के विकास नहीं होता। राशन तो मिलता? राशन मिलेगा, काम चल जाला, 5 किलो राशन मिलेगा, 12 आदमी बाढ़े तो 5 किलो राशन मिलेगा, जाए ले जाए टाइम से लेके आई ले जाए। ए तरह के और कोनो विकास जो सरकार कैले होके? और कोनो विकास है जब भले नहीं, रोड बनल ही नहीं है, ये थी आदमी गर्मी के मारे तड़फड़ा जाता था, पेड़ बाटा पेड़ के नीचे सबके बैठा रहता। वोट केकरा के देवे के बा? वोट हमनी के मोदी के देम जा, मोदी के ओकरा बाद दो। हां मोदी के दिया। अच्छा, छुआ नहीं है, रोड बना नहीं है, बिजली का बिल 2 बल्ब में 10,000 से 15,000 आता है, जो फर्जी तरीके से इन लोगों का कहना है फर्जी बिल आती है, लेकिन फिर भी हम वोट मोदी को देंगे। अब ये इनका मानना है, अब आगे चलते हैं और भी गांव से, और से बात करता हूं। कहीं तो आप वोट करेंगे? राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट जो पार्टी चलाती है, जिस पार्टी की और जिसके जिस प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता है इस देश में, जिसने जो कहा अपने संकल्प पत्र में उसको पूरा किया, तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से देश को सर्वांगीण विकास की ओर ले जा रही है। आज 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत की है, 5वें नंबर पर आने वाले पंचवर्षीय योजना में 3रे नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था होने जा रही है। 370 हटाने का व्रत लिया था बीजेपी ने, राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास से लेकर के उद्घाटन तक कर लिया था, वह दोनों काम पूरा हो गया है। आने वाले में संकल्प पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने जा रहा है, इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन ये भी लागू होगा, जिससे आर्थिक स्थिति और सामाजिक रूप से और समय की बचत होगी, हिंदुस्तान प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी पुनः एक बार। दो सवाल, अग्निवीर योजना से कितना संतुष्ट है और बेरोजगारी पे क्या बोलना? नहीं, बेरोजगारी का सवाल, रोजगार के अवसर उत्पन्न कराए जा रहे हैं। ईपीएफओ जो हिंदुस्तान का डाटा है, जिसमें प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें आप पता कर लीजिए या गूगल से सर्च कर लीजिए कि कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन उसमें हो चुका है, वो रोजगार का अवसर उपलब्ध कराए। मुद्रा योजना जो बनाई गई है और जो स्टार्टअप दिए गए हैं, इससे रोजगार के भरपूर अवसर लोगों को मिले हैं। गांव-गांव जो मेडिकल कॉलेज हर जिले में बन रहे हैं, जो 4 करोड़ लोगों को घर दिया जा रहा है, या हवाई अड्डे जो बढ़ाए गए हैं, रेल लाइनें जो बढ़ाई जा रही हैं, सब रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, रोजगार के अवसर लोगों को मिल रहे हैं, जो सक्षम व्यक्ति है उसको रोजगार मिलेगा। क्या नाम हुआ है आपका? हमारा नाम, क्या नाम जान के आप पूछने आए हैं? मेरा नाम अरविंद कुमार पाठक है। तहसील में एक और अधिवक्ता जो जिनको मैं जानता हूँ मिल गए हैं, जिनका नाम है जमील अहमद एडवोकेट, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस चुनाव में क्या विचार है, उनका क्या मत है। आइए जमील से बात करते हैं। क्या हाल है जमील? ठीक है। क्या इरादा है? देश बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, भारत माँ की आत्मा बचाना है, और इसके लिए इंडिया गठबंधन को जिताना है, और देश में युवाओं को रोजगार देना है, महंगाई से निजात देना है, और जो जुर्म और अत्याचार हो रहा है, जो भगोड़े देश से बाहर भाग के गए हैं, उनको देश में वापस लाना है। मोदी जी तो हर परिवार को, एक एक व्यक्ति को 5 किलो राशन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यह सरकार 10 किलो देने जा रही है, और महिलाओं को साल में 1 लाख रुपया देने जा रही है, 30 लाख नौकरी देने जा रही है, तो हम मोदी जी को भरोसा करें जो 10 साल में नहीं पूरा हुआ, उनको पूरा करें, जो गारंटी है इंडिया गठबंधन की वो पूरा होगा। पानी पी रहे हैं, इस तपती धूप में बहुत भयंकर गर्मी है,
तो इनके भी क्या परेशानियां हैं और कहां से आ रहे हैं। चुनाव का अंतिम दौर है, आखिरी चरण का चुनाव है, इनसे जानते हैं कि आप कितना संतुष्ट हैं। कहां से आ रहे हैं? पंजाब से। पंजाब से? हाँ जी। कहां तक जाएंगे? गुवाहाटी। गुवाहाटी? कई दिन का सफर हुआ आपका? अब तक 6 दिन का। कितने दिन का सफर और है? अभी और है 3 दिन का। क्या लग रहा है आप ये सफर कर रहे हैं? तमाम पूरी क्या है के लिए करना पड़ेगा। तो आप इसे लगातार क्या लग रहा है, इतने परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं, क्या अच्छा लगा आपको, क्या बुरा लगा? गवर्नमेंट को चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, क्या? जो तो आम आदमी पार्टी है ना, जब भी आई हुई है महंगाई बड़ी है और मजदूरी बहुत तंगी है। पंजाब से आ रहे हैं, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन भारत सरकार की केंद्र में सरकार है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई दल है, एक भाजपा एक कांग्रेस गठबंधन, कौन सा अच्छा है? भाजपा। कांग्रेस थी ना दोस्त, इतनी मगियाई नहीं थी। अच्छा, सस्ता था। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, जरा सा बोलिए क्या स्थिति रहा है। कांग्रेस थी ना तो डीजल सस्ता था। डीजल सस्ता था? हाँ, रोजगार था। अच्छा, अभी रोजगार नहीं, अभी अमीर आदमी की सरकार है। अमीर आदमी की सरकार तो इस समय एक ही ट्रक पे एक कांग्रेस एक भाजपा दो लोग। अच्छा, पंजाब की आपने बात किया, तहसील मुख्यालय NH 28, इस 28 पे तमाम नौजवान भी खड़े हैं और एक दुकान पे मैं भी खड़ा हूँ। इस दौरान चुनावी माहौल, आज अंतिम दिन है प्रचार का और फिर जानते हैं दुकानदार से ही क्या माहौल है चुनाव का, किस मुद्दे पे वोट, कहाँ कोई देने वाला है, आप कहाँ देंगे, आइए जानते हैं दुकानदार। क्या नाम है? नाम है सुल्तान बाबू, इससे पहले वर्तमान बीजेपी। चुनाव का आज प्रचार का आखिरी दौर है, अंतिम दिन, परसों वोट है। महंगाई, बेरोजगारी या फिर राशन, किस मुद्दे पे वोट देना चाह रहे हैं आप? विकास में, विकास मॉडल होना चाहिए। महंगाई तो है ही है, बेरोजगारी तो मैंने नौजवानों के लिए, हम तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम व्यवसाय बेरोजगारी भी क्या पढ़े लिखे हैं, वो तो अपना मुद्दा जानते हैं। सरकार जो कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। चल जाता है दुकान से, तुम्हारा मेरा संतुष्ट है, जो अपना व्यवसाय है, अगर हमारा व्यवसाय तो ही अपना है। हाँ, दिखा बोलना हमारा मसला होगा हमारे राशन के मुद्दे के विकास के, विकास के राशन तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, आपको सरकार नहीं दे रही है, मेन विकास चाहिए। चलिए, यहाँ क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर लोकसभा? मुद्दा सबसे बड़ा बात है कि दो बार से जो यहाँ के सांसद हैं कलराज मिश्रा और रामापति राम त्रिपाठी जी, तो रामापति राम त्रिपाठी जी बाहरी थे, कलराज मिश्रा ने काम किया। देवरिया विकास जितना कहा जाता है ये पिछड़ा इलाका है, उस पिछड़े इलाके के हिसाब से विकास होता नहीं। नेता आते हैं, चुनाव आता है, चुनाव के समय नेता दिखाते हैं कि पिछड़ा इलाका है। ये क्षेत्र पहले 3 चीज़ों से पहचाना जाता था, मंडक और गन्ना, और एक चीज़ आप भी जानते हैं तो उसका नाम ले लूँगा मैं। तो यहाँ पे जो गंडक गन्ना गरीबी तीन मुद्दे थे इस इलाके के, तीन ही मुद्दे आज भी हैं। अभी कटाव खत्म हो गया तो गंडक की कुछ समस्याएं खत्म हो गई, गरीबी जैसी थी वैसे ही है, और गन्ना की स्थिति जो हुई है, जो रेट है, भाव है, सब तो वही स्थिति है।
लोकसभा के प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ, तो पिछले इसके पहले वाले 5 साल में विकास के नाम पे जीरो रहा देवरिया लोकसभा से। अब उम्मीद की जा सकती है यहाँ से 2 प्रत्याशी कांग्रेस का सपा से गठबंधन है, तो अखिलेश प्रताप सिंह हैं और भाजपा से सुखांश, तो ये दोनों प्रत्याशियों में जनता की लहर और जनता की खुशी आती है। हम लोगों का मेन मुद्दा विकास है, और इस लोकसभा में सबसे आखिरी विधानसभा तमकुई है जहाँ हम लोग हैं। तमकुई का विकास हो नहीं पाता है। लोकसभा के जो प्रत्याशी चुने जाते हैं यहाँ से सांसद होते हैं, उनका आवास होता है देवरिया में। ये हम लोग की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि यहाँ की जनता हम लोग वोट करते हैं और देवरिया आवास होता है, जिससे हम लोग विकास से वंचित हो जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। ये जिला कुशीनगर है, लेकिन ये विधानसभा देवरिया में लगता है। देवरिया में आता है, तो देवरिया में जो पिछले 10 साल से या इसके पहले आज़ादी के बाद से भी जो नेता हुए, सांसद हुए, विधायक हुए, उनसे आप संतुष्ट हैं? हम लोगों ने जब बहुत संभाला अपनी उम्र से, उम्र में हमने देखा कि जब थोड़ा सा बड़े हुए, उसके पहले की बात तो जानकारी नहीं है तो क्या बता पाएंगे। गोरख प्रसाद जायसवाल सांसद थे उस समय, हम लोग हम लोगों ने 2 ही दशक चुनाव देखा है, जिसमें नजदीकी से हम लोग अपनी उम्र के हिसाब से देखा, एक कलराज मिश्रा जी का और रामभूतिराम त्रिपाठी जी का। और कलराज मिश्रा जी का जो कार्यकाल था वो बेहतर रहा यहाँ विकास के मामले में, लेकिन रामभूतिराम त्रिपाठी का कार्यकाल विकास के मायने में जीरो रहा। अब आगे उम्मीद देखी जा सकती है क्या होता है, क्या कुछ काम हुआ, ये कहा जा सकता है कुछ काम हुआ। चलिए,